हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम कंपेयर करने वाले गुरुमान सर के एचक्यू होय पुटिन के साथ मसल विलेज का गोल्ड होय पुटिन का, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट में जो होय पुटिन यूज किया गया है वो इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका है और दोनों ही आइसोलेट होय पुटिन है एंड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। तो देखते हैं इन दोनों में कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों, कहीं मत जाइए, मिलते हैं इंट्रो के बाद। दोस्तों, मसल विलेज का गोल्ड होय में आपको 30 ग्राम के स्कूप मिलेंगे। 30 ग्राम के स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे, मतलब प्रोटीन आपको मिलेंगे 86% या 87% अप्रोक्स। और जीएम न्यूट्रिशन के 29 ग्राम सर्विंग में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे और ये प्रोटीन आपको मिलेंगे 88%। सो बायो एबिलिटी दोनों का ही लगभग सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं है। दोस्तों, मसल विलेज में आपको कार्ब्स मिलेंगे 1.3 ग्राम और एचक्यू होय में लेस देन 1 ग्राम। सो मसल विलेज में कार्ब्स थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों, गोल्ड होय में आपको फैट्स मिलेंगे 0.46 ग्राम और एचक्यू होय में फैट्स फ्री, कोलेस्ट्रॉल भी जीरो है। गोल्ड होय में लेस देन 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल आपको मिलेंगे। दोनों ही प्रोडक्ट में आपको लैब रिपोर्ट मिल जाएंगे। दोस्तों, मसल विलेज का गोल्ड होय में सोडियम थोड़ा ज़्यादा है 121 mg और एचक्यू होय में आपको 0.3 ग्राम सोडियम मिल जाएंगे, मतलब सोडियम बहुत ही कम है गुरुमान सर के होय प्रोटीन में, जो कि काफ़ी अच्छा है। एमिनो एसिड्स दोनों का ही लगभग सेम ही है। चलिए दोस्तों, इनका इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। मसल विलेज का गोल्ड होय में इंग्रेडिएंट्स है होय प्रोटीन आइसोलेट, कोकोआ पाउडर, स्टेबलाइजर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्लेंड एंजाइम, जो मसल विलेज का लगभग सभी प्रोडक्ट में मौजूद होता है। चलिए दोस्तों, एचक्यू होय प्रोटीन का इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। इसमें है होय प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, कोकोआ पाउडर, स्वीटनर है सुक्रालोज एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर। दोस्तों, एचक्यू होय में सबसे अच्छी बात यही है, इसमें कोई भी स्टेबलाइजर वगैरह यूज नहीं किया है। गुरुमान सेन ने होय के क्वालिटी के ऊपर काफी ध्यान दिया है, जो टॉप क्वालिटी होय प्रोटीन में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एच के होय प्रोटीन गोल्ड होय को बीट कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब आते हैं प्राइस के बाद, तो गोल्ड होय आपको 3800 से लेकर 4500 रुपीज में 2 kg का पैक मिल जाएंगे हेल्थ कार्ड या मसल विलेज का अपना ऑफिशियल वेबसाइट से। और जीएम न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे गुरुमान सर के ऑफिशियल वेबसाइट पे 2990 में 907 ग्राम, मतलब 2 LBS के। बट ये प्राइस को लेकर थोड़ा बात चल रहा है, तो प्राइस कम हो सकता है। तो दोस्तों, अगर एचक्यू होय प्रोटीन का प्राइस आपको 500 या 600 रुपीस डिस्काउंट मिले, मतलब प्राइस 2400 से लेकर 2500 रुपीस तक हो जाए, तो फटक से इसे खरीद लीजिए। लेकिन दोस्तों, प्राइस अगर नहीं गिरे और अगर थोड़े बहुत गिरे, मतलब 100 या 200 रुपीस गिरे और प्राइस हो जाए 2799 या 2899, तो आप लोग मसल विलेज गोल्ड होय को ही चूज कीजिए। दोस्तों, ये मेरा मानना है, आप दोनों में से कोई भी एक को चूज कर सकते हैं, क्योंकि बायो एबिलिटी दोनों का ही लगभग सेम ही है। BCAA, ग्लूटामाइन, सब कुछ सेम ही है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, सोडियम थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम है दोनों के अंदर। दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट हो या बिगिनर हो, तो थोड़े बहुत इसके उतार चढ़ाव से आपको कुछ फर्क पड़ना नहीं है। दोस्तों, बिगिनर्स भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए होय कॉन्सेंट्रेट ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसका प्राइस, मतलब होय कॉन्सेंट्रेट का प्राइस होय आइसोलेट से बहुत ही कम है और यह बजट फ्रेंडली भी है। तो जो लोग स्टूडेंट हैं और जिनका बजट थोड़ा टाइट है, तो वो लोग होय कॉन्सेंट्रेट को ही चूज कीजिए। और अगर आपके पॉकेट परमिट करते हैं, तो आप होय आइसोलेट को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, जीएम न्यूट्रिशन का होय हाथ में आने के बाद इसका फिर से एक रिव्यू हम करने वाले हैं। तो आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरे नए दोस्तों से मेरे गुजारिश है, हो सके तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को दबाना ना भूलना, क्योंकि बेल बटन दबाने से ही आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.